गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में पौड़ी गढ़वाल निवासी अंकित कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी उपलब्धि पर प्रदेश के खेल प्रेमियों और एथलीटों ने हर्ष जताया है। वहीं स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत प्रतिनिधि के रूप में राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष मातवर सिंह रावत आज बनास गाँव अंकित के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंकित के पिता को शॉल उड़ाकर उन्हें बधाई दी। अंकित के पिता ध्यानीलाल ने बताया कि अंकित बचपन से भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, जिसके लिए अंकित सुबह उठकर रोज 10 से 15 किलोमीटर दौड़ता था। भारतीय सेना की लैंसडाउन भर्ती में भी अंकित ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अंकित के पिता घोड़ा खच्चर चलाकर रेत ढोने से परिवार का गुजर बसर करते हैं। कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि मातवर सिंह रावत ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। मेरे को भी खुशी है, मतलब मेरे लड़के ने मतलब वो मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, पारिवारिक स्थिति बहुत गरीब थी सर। अच्छा, गरीबी की स्थिति में थे, मतलब जाके मैंने दिहाड़ी मजदूरी की और दिहाड़ी मजदूरी में मतलब इन बच्चों को पालन पोषण किया और बच्चे मतलब यह है कि हम मेरे को खुशी है कि अच्छे निकले हमारे। मतलब मेरे को ये था कि ये लड़का मतलब मेरे साथ में दिहाड़ी मजदूरी में भी जाता था, मेरे खच्चर थे, खच्चरों के साथ भी जाता था, स्कूल भी पढ़ता था साथ में, और फिर मतलब कभी कभी मतलब यह कि काम पे भी आया करता था मेरे साथ में। फिर मतलब यह कि ये कम से कम 10 किलोमीटर रेस शाम सवेरे भी मारता था। मैं कहता था कि भाई क्या कर रहा है तू, कि नहीं पापा मुझे फौजी बनना है, बस कुछ वो मुझे फौजी बनना है, तो इसकी यही रही सब।